अष्टावक्र गीता तीसरे अध्याय का 10वां सूत्र। अभी चल क्या रहा है राजा जनक और अष्टावक्र के बीच में? अष्टावक्र जांच पड़ताल कर रहे हैं कि जनक को वास्तव में आत्मज्ञान हुआ है या बस ये दोहरा रहे हैं। तो बार बार अष्टावक्र पूछ रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है, झांको अपने अंदर, कहीं वैसा तो नहीं है, पता करो अपने अंदर, कहीं कुछ पाने की इच्छा तो नहीं है, कहीं कुछ त्यागने का मन तो नहीं हो रहा है, कहीं इस लोक या परलोक के भोग में कोई आसक्ति तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम संसार में किसी चीज को अभी भी शाश्वत समझते हो। और इसी तरह के प्रश्न अष्टावक्र लगातार कर रहे हैं राजा जनक से। अब फिर वो पूछते हैं आगे 10वें सूत्र में, अष्टावक्र कहते हैं राजा जनक से कि राजन, जो महाशय अपने चेष्टारत माने कर्मशील शरीर को भी इस प्रकार देखता है जैसे वह किसी दूसरे का शरीर हो, उन्हें स्तुति और निंदा में भी कैसे क्षोभ हो सकता है? कैसे क्षोभ होगा? कह रहे हैं कि जो महाशय अपने चेष्टारत शरीर को भी इस प्रकार देखता है जैसे वह किसी दूसरे का शरीर हो। कहने का तात्पर्य क्या है कि जो अपने शरीर को भी अपना नहीं मानता, उसे अब निंदा अथवा स्तुति कैसे छू पाएगी? जिसकी अपने संबंध में अब कोई छवि है ही नहीं। जब कोई हमारी निंदा करता है, कोई प्रशंसा करता है, तो चोट किस पर लगती है? उस छवि पर जो हमने अपने बारे में बना रखी होती है। जब हम अपने बारे में कोई छवि बना लेते हैं तो ही कोई हमें चोट पहुंचा पाता है, अन्यथा नहीं पहुंचा पाएगा। और हमारी जो छवि होती है अपने ही संबंध में, वो इस तन और मन से ही तो संबंधित होती है। पर जो अपने शरीर को ऐसे देखता है जैसे दूसरे का शरीर हो, उसको ना स्तुति से फर्क पड़ेगा ना निंदा से फर्क पड़ेगा। यहां पर अपने शरीर को दूसरे का शरीर की तरह मानने का अर्थ क्या है? क्यों नहीं मानता वो अपने शरीर को अपना? अपने शरीर को अपना तब माने जब वो अपना हो, अपना हो तो अपना माने। और अपना होने का अर्थ है तुम उसके मालिक हो, और जिसके तुम मालिक होते हो वह तो तुम्हारे हिसाब से ही चलेगा ना। अगर मैं कहूं ये शरीर मेरा है, और अगर मैं ये भी कहूं कि ये शरीर मैं हूं, तो शरीर को फिर मेरे हिसाब से चलना चाहिए ना। अगर मैं शरीर हूं तो भी शरीर मेरे हिसाब से चलना चाहिए। अगर शरीर मेरा है माने मैं इसका मालिक हूं, तो भी शरीर को मेरे हिसाब से चलना चाहिए। किंतु क्या यह शरीर किसी भी प्रकार से तुम्हारे अनुसार चलता है? अब राजा जनक देख रहे हैं कि शरीर पर तो मेरा कोई वश ही नहीं, मैं तो केवल साक्षी हो सकता हूं इसका। तो इस शरीर को अपना कैसे मानूं? और जब यह शरीर मेरा नहीं है तो सामने जो शरीर है उस शरीर के माध्यम से चाहे प्रशंसा आ रही हो, चाहे निंदा आ रही हो, वो भी तो एक प्रतिक्रिया मात्र है। सामने से जो निंदा आ रही है उस व्यक्ति को लगता है कि वो निंदा कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, वो ना प्रशंसा कर रहा है ना निंदा कर रहा है, ये तो प्रकृति का खेल है। उससे निंदा उठ रही है, उससे प्रशंसा उठ रही है। जैसे कुत्ते को पत्थर मारो तो वो भौंकने लग जाएगा। देखे ना ऐसे लोग, कोई व्यक्ति मोटा हो और उसको मोटा बोल दो तो चिढ़ जाता है। हमको पहले ही पता है इसको मोटा बोलेंगे चिढ़ जाएगा। ये क्या है? ये केमिकल रिएक्शन है। वो बोध में नहीं जी रहा है, वो बस प्रतिक्रिया कर रहा है। तो सामने अगर कोई प्रशंसा भी कर दे, कोई निंदा भी कर दे, दुखी होकर के, परेशान होकर के, तो फिर उससे फर्क कैसे पड़ेगा? अगर मैं ये जानता हूं कि मेरा ही शरीर, जिसे मैं कहता हूं कि ये मेरा शरीर है, वो मेरा नहीं है, तो सामने वाले का शरीर सामने वाले का कैसे होगा? तो उससे तो कुछ भी उठ सकता है। जन्म मैंने चाहा नहीं था, इस जीवन में इतना दुख है, मैं क्यों चाहता यह जन्म?
कहते हैं ना अक्सर लोग कि हमें यह जीवन मिला क्यों अगर इसमें इतना दुख है तो जन्म तुमने चाहा नहीं, माने इस शरीर का जन्म, पर शरीर का जन्म हो जाता है, इसकी मृत्यु तुम नहीं चाहते, तुम तो सदा मौत से बचना चाहते हो लेकिन ये मर जाता है, तुम नहीं चाहते कि आलस आए पर शरीर आलस करता है, तुम्हें बहुत जरूरी काम है, तुम नहीं चाहते कि इसको नींद आए पर ये सो जाता है, बीमारी में पैसे लगते हैं, परेशान होते हो, दर्द होता है, पीड़ा होती है तुम्हें, है ना, डरते तुम हो, तुम नहीं चाहते कि शरीर बीमार हो लेकिन ये बीमार हो जाता है, तुम नहीं चाहते कि ये बहरा हो, नहीं चाहते कि अंधा हो, ये हो जाता है, नहीं चाहते कि इसको भूख प्यास लगे क्योंकि उसके लिए फिर जाकर गुलामी करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, पर इसको भूख प्यास लगती है। क्या है जो तुम्हारे अनुसार यहां पर चल रहा हो? बचपन आता है, चला जाता है, तुम कितनी कोशिश करते हो, देखो लोगों को कितनी कोशिश करते हैं कि जवानी को बचा ले, नहीं हो ये जवानी, बुढ़ापे में न तब्दील, पर जवानी भी चली जाती है, झुर्रियां आने लगती हैं, बूढ़े हो जाते हैं, मर जाते हैं, कुछ भी हम नहीं चाहते लेकिन सब कुछ शरीर के साथ होता रहता है, होता रहता है, दिल धड़कता है, श्वास चलती है, तुम्हारे कहने से रुक नहीं जाती, आंखें हैं तो देखेंगी, कान है तो सुनेंगे, पाचन तंत्र तुमसे पूछ के नहीं चलता, रक्त तुमसे पूछ के नहीं बहता, क्या है आपके वश में? सब कुछ क्या है? प्राकृतिक, प्रकृति में क्रियाएं होती रहती है, होती रहती है। तो अष्टावक्र कह रहे हैं जनक से कि जनक, जो महाशय अपने इस चेष्टारत शरीर को भी इस प्रकार देखता है कि जैसे वे किसी दूसरे का शरीर है, दूसरे का शरीर माने ये शरीर तो प्रकृति का है, प्रकृति से चला रही है, प्रकृति के अनुसार ये चल रहा है, उस महाशय को स्तुति और निंदा से भी कैसे कोई क्षोभ होगा, किस तरह वो किसी की स्तुति से या किसी की निंदा से विचलित हो जाएगा। अपने जीवन में झांको, होता है ना कई बार तुम नहीं चाहते हो क्रोध करना फिर भी क्रोध हो जाता है, कई बार चुप रहना चाहते हो पर चुप नहीं रह पाते हो, कई बार तुम चाहते हो कि ऐसा नहीं बोलना था पर उस समय पर बोल गए, ये क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ? ये शरीर जो है केमिकल, इसमें रिएक्शन हो जाते हैं और ये प्रतिक्रिया करता रहता है। अब इसी तरह सामने से कोई प्रशंसा कर दे, कोई निंदा कर दे, तो जनक से कह रहे हैं कि आत्मज्ञानी होगा तो वो इन सब से विचलित नहीं होगा, क्योंकि उसे पता है ये सब तो बस यूं ही है, शरीर प्रकृति है और प्रकृति के नियमों से चलता है। अब यहां कह रहे हैं महाशय, महाशय माने कौन? वह जिसका संबंध, जिसका उद्देश्य, जिसका आशय अब किसी क्षुद्र से नहीं जुड़ा हुआ है, माने ये जो शरीर है, प्राकृतिक है, इन सब चीजों से अब वो अपने आप को, स्वयं को अलग जानता है, इन सब का बस दृष्टा है, साक्षी है, वो महाशय है, उसको महाशय कहा जा रहा है। वह जो अब तन मन और वृत्तियों को समर्पित नहीं रहा, तन के हिसाब से, मन के हिसाब से, या वृत्तियों के हिसाब से, या प्रकृति के हिसाब से अब नहीं चलता, उनको समर्पण नहीं करता, बल्कि इससे आगे किसी और को समर्पित है, वह होता है महाशय, उसको महाशय कहते हैं। लेकिन हम जो प्रशंसा भी करते हैं और हम जो निंदा भी करते हैं, वे उठती तो हमारे इसी तन से, इसी मन से, हमारी वृत्तियों से ही है ना। तो जिस महाशय को अब ना इस तन से, ना इस मन से और ना ही इन वृत्तियों से कोई आशय है, कोई संबंध है, वो महाशय जिसको इस तन से, मन से, वृत्तियों से कोई संबंध नहीं, उन्हीं तन मन और वृत्तियों से उठने वाली स्तुति अथवा निंदा से वो किस प्रकार क्षोभ को प्राप्त होगा, किस प्रकार वो विचलित होगा, किस प्रकार निंदा से दुखी हो जाएगा और किस प्रकार प्रशंसा से प्रसन्न हो जाएगा, क्योंकि सामने से जो निंदा और स्तुति आ रही है वह भी तो किसी तन, किसी मन, किसी वृत्ति से ही आ रही है। जिस प्रकार मेरा इस तन पर, इस
इस मन पर इन वृत्तियों पर कोई वश नहीं है जिन्हें मैं मेरा शरीर कहता हूं, उसी प्रकार सामने जो व्यक्ति है उसका भी कैसे हो सकता है। तो एक तरह तो आप यहां पर जो कहा जा रहा है कि अपने शरीर को भी वो दूसरे के शरीर की भांति देखता है, उसका अर्थ हम ये कह सकते हैं और ये अर्थ ठीक है। इसी के साथ इस अपने शरीर को दूसरे के शरीर की भांति ही देखने का तात्पर्य है कि जैसा ये शरीर है वैसा ही दूसरा शरीर है, तो दूसरा और ये शरीर दोनों में कोई अंतर है नहीं, वो भी वैसे ही हाड़ मांस का पुतला है, उसमें भी वही सब चल रहा है जो इसमें चल रहा है, दोनों में अंतर क्या है? वो भी खाता पीता कमाता सोता है, ये भी वही सब करता है, वो भी बचपन बुढ़ापे जवानी बीमारी सबसे गुजरता है, ऐसे ये भी गुजरता है, तो दोनों में कोई अंतर है नहीं। तो वास्तव में दूसरा शरीर मानने से तात्पर्य है कि ये शरीर मेरा नहीं है, क्योंकि मैं इसे नहीं चलाता, मैं इसका मालिक नहीं हूं। अब एक बात बताओ, अगर तुम्हें पता है कि सामने जो व्यक्ति तुम्हारी निंदा कर रहा है तुम्हारी प्रशंसा कर रहा है उसको उसका बोध ही नहीं है कि उसके माध्यम से जो निंदा हो रही है जो प्रशंसा हो रही है वो कहां से आ रही है, तो बताओ उस निंदा का उस प्रशंसा का कोई महत्व रह जाएगा? जैसे कोई छोटा बच्चा हो वो तुम्हें गालियां दे दे, छोटा सा है और किसी बात पर गालियां देने लग जाए तो क्या करते हो? मुस्कुराते हो ना, वो अपनी नासमझी में ये सब कर रहा है, वो तुम्हारी प्रशंसा भी कर दे क्योंकि तुमने उसको चॉकलेट खिला दी, तो क्या हो जाओगे? बड़े खुश हो जाओगे क्या? नहीं ना, वो बेचारा प्रकृति के अनुसार बस बह जा रहा है। प्रकृति हमें नचाती रहती है और हमें क्या लगता है कि हम नाच रहे हैं, प्रकृति हमें बहा ले जा रही है नदी में और हमको लगता है हम तैर रहे हैं। तो राजा जनक से अष्टावक्र कह रहे हैं, देखते चलो जांचते चलो कहीं ये सब अभी भी बाकी तो नहीं है, ये निंदा और स्तुति से विचलित होने का खेल। क्योंकि जो महाशय होता है माने जो किसी विराट के साथ जुड़ जाता है, किसी विराट के साथ एक हो जाता है, या कहो विराट ही हो जाता है, वो अपने शरीर को भी दूसरे के शरीर की भांति ही जानता है, पराया जानता है, और फिर उसे स्तुति और निंदा विचलित नहीं करती। पर स्तुति अगर तुम्हें खुश कर देती है तो फिर तुम्हें निंदा से दुखी भी होना पड़ेगा, इसीलिए तो इसको क्षोभ कहा गया, विचलन कहा गया है, स्तुति को भी और निंदा को भी। क्यों? क्योंकि जहां एक है वहां दूसरा भी होगा ही होगा, बल्कि एक के होने के कारण ही दूसरा मौजूद हो जाता है वहां पर। जहां कुछ हासिल करना है कुछ पाना है वहां खोने का भय अपने आप पैदा हो जाता है, जन्म के साथ ही मृत्यु निश्चित हो जाती है, सुख के साथ ही दुख निश्चित हो जाता है, और जिसे सुख का लालच नहीं वे दुख से दुखी भी नहीं होता है, जिसे स्तुति चाहिए ही नहीं उसकी निंदा कैसे होगी, जिसको सम्मान ही नहीं चाहिए उसका कोई अपमान कैसे कर पाएगा, जो मिलने के लिए बहुत आतुर नहीं है वो बिछड़ने से परेशान क्यों हो जाएगा। पर जहां एक भी है कुछ कोई एक भी है तो दूसरा अपने आप मौजूद हो जाएगा, क्योंकि सुख भी जीवन में सुख का मुखौटा पहनकर नहीं आता है, दुख का मुखौटा पहनकर नहीं आता है। अगर दुख दुख बनकर के ही जीवन में आएगा तो आप उसे आने दोगे क्या? नहीं आने दोगे। रावण रावण बनकर के अगर सीता माता को लेने आता तो सीता माता बाहर आती का रेखा से पार कदम रखती? नहीं रखती। दुख आता है सुख बनकर, जैसे रावण आता है साधु बनकर। हमको लगता नहीं जीवन में सुखी सुख तो आ रहा है, फिर ये दुख कहां से आया? सुखी सुख नहीं है, सुख को मुखौटा पहन करके दुख जीवन में आता है। तो यहां कह रहे हैं निंदा और स्तुति दोनों से विचलित नहीं होना है,
किसी एक से भी विचलित हुए कि किसी ने प्रशंसा करी और तुम चने के झाड़ पर बैठ गए, फूल गए बिल्कुल, तो निंदा भी तुम्हें जरूर प्रभावित करेगी, विचलित करेगी। और राजा जनक से क्यों कह रहे हैं अष्टावक्र ऐसा? क्योंकि जब आत्मदर्शन होता है, माने होता है, माने ऐसा नहीं कि एकदम हो गया, जब आप स्वयं को जानने लगते हैं, सचमुच समझने लगते हैं, तो आपका जीवन बदलता है, आपका पूरा जीवन बदल जाता है, पूरा व्यक्तित्व बदल जाता है। तो आत्मदर्शन के बाद निंदा और स्तुति दोनों ही शुरू हो जाते हैं। जो लोग स्वयं को जानने लगते हैं वो फिर समाज में फिट नहीं होते, तो समाज में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो उनकी निंदा करेंगे, जिनको वो पसंद नहीं आएंगे, क्योंकि वो समाज के हिसाब से फिर जिएंगे नहीं, क्योंकि समाज जैसे है, जैसा रहता है, उसमें केवल बंधन के, गुलामी के, शोषण के, बेड़ियों के, दुख के, और कुछ है नहीं, वहां मुक्ति है नहीं, वहां प्रेम, आनंद, शांति कुछ नहीं है, तो वो उनके हिसाब से चलेगा नहीं। तो फिर ऐसी बात होगी कि नंगे की भीड़ में कोई कपड़े पहनकर आ गया, सारे अंधों की भीड़ में किसी को आंख मिल गई, तो उन सबको चुभेगा, तो वो निंदा करेंगे। तो जनक से पूछ रहे हैं, निंदा प्रभावित तो नहीं करेगी ना तुम्हें, देखो कर रही हो तो, पर प्रशंसा भी मिलने लगती है, क्योंकि समाज में ही कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उस चीज के प्रशंसक होते हैं, क्योंकि उनको भी चाहिए, वो चाहिए सबको, पर कुछ को दिख जाता है कि हाँ चीज बहुत ऊंची है, बहुत बहुत कीमती है, वो पहचानते हैं, वो समझते हैं कि ये पागल नहीं है, बल्कि इन हजारों लाखों की भीड़ में ये एक ही तो है जो जगा हुआ है, जिसके पास आंख है, जो आजाद है, जिसके जीवन में आनंद है, बाकी सब तो नशे में हैं। तो प्रशंसा भी होगी। तो जनक से कह रहे हैं कि यदि यह तुम्हें क्षुब्ध करती है निंदा, या प्रशंसा तुम्हें विचलित कर देती है, तो अभी तुमने कुछ जाना नहीं, तुम बस दोहरा रहे हो मेरे शब्दों को। क्योंकि जिसने स्वयं को किसी महत कर्म में झोंक दिया है, उसे निंदा और स्तुति दोनों के प्रति अब उपेक्षा रखनी पड़ेगी, रखनी ही होगी। निंदा आएगी, प्रशंसा आएगी, पर उनको मूल्य नहीं देना है। यदि आपने, माने अहम ने, कौन हो आप, अहम हो, अहम ने यदि आत्मा को चुना है, आत्मा माने सत्य को चुना है, तो फिर प्रकृति चाहे उसको लुभाए चाहे डराए, क्या फर्क पड़ता है। तो अष्टावक्र कह रहे हैं कि जो उस महान से जुड़ गया है, उस महाशय को छोटी छोटी बातों से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जिसके पास हीरे हो उसे चिल्लर में ज्यादा उलझना शोभा नहीं देता, थोड़ा भी उलझना शोभा नहीं देता। और जो सत्य के साथ, आत्मा के साथ प्रेम में है, उसे फिर संसार के निंदा या स्तुति से क्या लेना देना। कोई निंदा करे तो उसकी मर्जी, कोई स्तुति करे तो उसकी मर्जी। वो दुखी परेशान था, उसने निंदा कर दी, वो मौज में था, उसने स्तुति कर दी, ठीक है। अपने जीवन में झांको, कब हम किसी की बड़ाई कर देते हैं, जब हमें कोई फायदा हो जाता है, तो वो सामने वाला अगर स्तुति कर भी रहा है तो इसलिए कर रहा है क्योंकि इस शरीर के माध्यम से, इस देह के माध्यम से उसका कोई लाभ हुआ। और हम किसी को बुरा भी कब कहते हैं, जब हमें कोई नुकसान हुआ हो उसके कारण, तो वो सामने वाला निंदा स्तुति कर रहा है अपनी स्थिति के अनुसार, उससे मुझे क्या। तो क्या कह रहे हैं अष्टावक्र जनक से, कि जो महाशय अपने इस चेष्टा रत शरीर को भी इस प्रकार देखता है जैसे वह किसी दूसरे का शरीर है, उन्हें स्तुति और निंदा में भी कैसे कोई क्षोभ होगा। तो इस शरीर को, इस देह को अपना नहीं मानो, ये पराया है, इसको मानो प्रकृति, प्रकृति का है, छोटा सा पुतला है, पराये को पराया मानना ही उससे मुक्ति है। फिर उसका जो खेल चलता है चले, पर उसका खेल में
जो कुछ भी होता है उसको हम बहुत महत्व नहीं देंगे, लेकिन उसके खेल से जहां हमें समस्या होगी वहां हम उसकी नहीं सुनेंगे।